अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी शाम की 4 या 5 बज रहे हैं। अभी मैं अपना इंट्रो शूट कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो साफ सफाई में इंट्रो शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और आज मम्मी ने दही बड़े बनाए थे तो उसकी मैंने रेसिपी शूट की है और आप लोग के साथ शॉर्टकट में शेयर करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ के दही बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी क्यों ना शेयर करूँ। तो आगे जो कुछ भी होगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मम्मी ने सबसे पहले रात में ही जो बिना छिलके की उड़द की दाल होती है उसको अच्छे से धो के भिंगो दिया था। रात भर भिंगाने के बाद आप उसको सुबह अच्छे से पीस लें और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें कि वो थोड़ा स्मूथली पिस जाए। पीसने के बाद फ्रेंड्स, इसको 4 घंटे के लिए आप ढक के ऐसे ही छोड़ दें। एंड फ्रेंड्स, आप अपने बड़े में काजू ज़रूर ऐड करें क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप पहले उसके छोटे छोटे से पीसेस कर लें। एंड फ्रेंड्स, फिर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। आपको बस इसको अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि 4 घंटे छोड़ने के बाद आपकी दाल वैसे ही स्मूथ हो जाएगी, तो आपको इसको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छे से मिक्स करके आप इसको फ्राई कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स, आपको बड़े पूरे डार्क ब्राउन नहीं करने हैं, हल्का सा लाइट ब्राउन रहने देना है। एंड फ्रेंड्स, फिर एक बर्तन में पानी हल्का सा गर्म कर लें एंड फिर बड़े उसमें डाल दें और कम से कम 45 मिनट के लिए उसको पानी में ढक के छोड़ दें। फिर फ्रेंड्स, मैंने 250 ग्राम दाल के लिए 1 किलो दही ली है। ये आधे आधे किलो का पैकेट है। फिर फ्रेंड्स, आपको इसको बहुत अच्छे से फेंट लेना है। मैंने इसमें 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है। एंड फिर उसके बाद फ्रेंड्स, 1/2 किलो चीनी ऐड किया है। इसको
को आप तब तक फेंटते रहें जब तक चीनी अच्छे से मिक्स ना हो जाए। फोर्टी फाइव मिनट्स के बाद आपको बड़े पानी में से निकालने हैं और अच्छे से निचोड़ लेने हैं कि सारा पानी उसका निकल जाए। इस चीज़ का फ्रेंड्स आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पानी ज़रा सा भी बड़े में ना रहे, अच्छे से सारा पानी निकल जाए बड़े में से, तभी आप उसको दही में डालें। फिर फ्रेंड्स आपको इसको कम से कम 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। उसके बाद जब बड़े अच्छे से दही को सोख लेंगे तो आप उसको खा सकते हैं। एंड फ्रेंड्स अब देखें 3 घंटे हो गए हैं और दही बड़े खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेस्ट होता है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एंड फिर डिनर का टाइम हो गया था, सब लोग ने मिलके साथ में डिनर किया। मेरा नाम फैसल है, सगे भाई तो नहीं है लेकिन मैंने बचपन से इनको राखी बांधी और बिल्कुल अपने भाइयों की तरह ही मानती हूँ। एंड ये देखें फ्रेंड्स, ये भाई लोग की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट था और बहुत प्यारा सूट है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा था सामने से, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। ये इसकी कुर्ती थोड़ी सी हैवी है, दुपट्टा लाइट है और नीचे पैंट प्लेन है और देखें बहुत ही प्यारा था माशाल्लाह। एंड फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसे भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।